करोड़ों चेहरों पर खुशियां बिखेरने वाले उमर शरीफ दुनिया छोड़ गए। कॉमेडी के बेताज बादशाह की नागहानी मौत पर हर कोई उदास। उमर शरीफ दिल और गुर्दे के मर्ज का शिकार थे। डायलिसिस के दौरान सांसें दम तोड़ गईं। लेजेंड अदाकार की डेड बॉडी मंगल को पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान है। उमर शरीफ जैसा दूसरा अदाकार नहीं आया। उनके जाने से एक बड़ा खला पैदा हो गया। अदाकार कवी खान, निशु बेगम, सुहेल अहमद, एहसन खान, संगीता, मेगा, इस्माइल तारा समेत फनकार बरादरी का उमर शरीफ के इंतकाल पर दुख का इजहार। सरहद पार से जॉनी लिवर, दिलेर मेहदी और कपिल शर्मा का भी इजहार अफसोस। उमर शरीफ मुनफरिद हुस्ने मजाक के मालिक थे। कॉमेडी की दुनिया में उन्होंने बड़ा नाम कमाया। सदर आरिफ अलवी का विफाक पर गहरे दुख का इजहार। वजीर आजम इमरान खान भी सदमे से दोचार। कहा, फन के शोबे में उमर शरीफ की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वो बेपनाह सलाहियतों के मालिक थे। उमर शरीफ की मौत फन की दुनिया के लिए बड़ा नुकसान है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वजीर आला उस्मान बुज़दार, वजीर बल्दियात मियां महमूद रशीद का नामवर कॉमेडियन उमर शरीफ के इंतकाल पर इजहार ताजियत। कहा, उमर शरीफ की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। साबिक वजीर आजम चौधरी शिजात हुसैन चौधरी पर बेजनाही। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का उमर शरीफ के इंतकाल पर रंजोगम का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भी ताजियती पैगाम। बोले, रोने वालों को हंसाने पर मजबूर करने वाला तंजो मजाक का आफताब गरूब हो गया। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान उमर शरीफ की वफात कौमी सानहा है। वजीर जेल खाना जात और तर्जुमान हुकूमत पंजाब फयाजुल हसन चौहान का इजहार ताजियत। कहा, उमर शरीफ के इंतकाल से फने जराफत का एक बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। जर्मन सफीर का उमर शरीफ के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। जर्मन सफीर ने कहा कि उमर शरीफ बहुत बड़े कॉमेडियन थे। इंडस्ट्री को उनके जाने से बहुत नुकसान हुआ। हर अदा बेमिसाल, हर किरदार लाजवाब। उमर शरीफ ने जो किरदार निभाया अमर कर दिया। उनकी जानदार अदाकारी, बर्जस्ता जुमलों की दुनिया दीवानी। 14 साल की उम्र में फन की दुनिया में कदम रखा। बुड्ढा घर पर है, हम सब एक हैं। बकरा किस्तों पर उनके मारूफ ड्रामे थे। उमर शरीफ का उसने मजाक बाकमाल। बतौर स्टैंड अप कॉमेडियन जब भी स्टेज पर आए, छा गए। पाकिस्तान हॉकी से मुतल्लिक उनके सेंस ऑफ ह्यूमर को बेहद पज़ीराई मिली। जीबी महंगी, सीएनजी की कीमत में 1.90 रुपए का इजाफा। नई कीमत 123.20 रुपए फी लीटर मुकर्रर। सस्ती प्रोटीन की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 3 रुपए महंगा, 299 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। फॉर्मी अंडे 11 रुपए सस्ते, कीमत 169 रुपए फी दर्जन मुकर्रर। डॉलर की ऊंची उड़ान, रवा हफ्ते इंटरबैंक में 1.40 रुपए महंगा, 169.08 रुपए से बढ़कर 170.48 रुपए पर बंद। रिपोर्ट के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 171 रुपए से बढ़कर 172.60 रुपए का हो गया। सरकारी अस्पतालों में कोरोना डेंगू काउंटर कायम कर दिए गए। सीबीसी टेस्ट फ्री होगा। वजीर सेहत यास्मीन राशिद की मीडिया टॉक। कहा, लाहौर में 71,000 घरों से डेंगू का लार्वा मिला। कोरोना वायरस के वार जारी। लाहौर में 269 नए केस रिपोर्ट। मजीद 10 मरीज जान की बाजी हार गए। शहर में मुस्बत केसेस की शरह 5.3% रिकॉर्ड। डेंगू पे लाहौरियों को निशाने बनाने लगा। शहर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 125 नए केसेस रिपोर्ट। शहरी घरों में पानी जमा ना होने दें, जिला इंतजामिया की हिदायत। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, नशेबी इलाके और सड़कें ज़रिया। बदामी बाग में 10 साल का बच्चा।
शहर में कहां कितनी बारिश हुई लाहौर रंग में पता चला लिया। सबसे ज्यादा बारिश फरकाबाद शाहतरा में 96 मिलीलीटर रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक 81, ताजपुरा 69 और गुलशन रावी 47 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर में बारिश। एमडी बासा सैयद जाहिद अजीज का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासियात के अमल का जायजा लिया। कहते हैं वासा की टीमें हैवी मशीनरी के साथ फील्ड में मुतहरिक हैं। इमरान खान की कामयाबियों ने अपोजिशन की नींदें उड़ा दी। करप्शन करने वालों की सियासत खत्म हो चुकी। वजीर आला पंजाब की सुबाई फजरा और अकीले पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। सुबह भर में बिला तफरीक तरक्याती काम कराने के आजम का इजहार। है वो सियासी कल्चर तबाह किया और सियासतदानों के दरमियान जो एक रवादारी का तल्लक होता है, जो एक दूसरे के साथ इज्जत एहतराम का तल्लक होता है, वो इस ओबाश टोले ने वो खत्म किया। अब ये कौम की गैरत और अहमियत को भी जो है वो तबाह करने पे तुला हुआ। वो तालिबान जिन्होंने APS के मासूम बच्चों को जो है वो लहूलुहान किया, उन्हें शहीद किया सैकड़ों की तादाद में, अब ये कह रहा है कि उन तालिबान को जो है वो NRO दिया जाए। ओबाश टोला कौम की इखलाकी माशी तबाही के बाद अब गैरत और अहमियत खत्म करने पर तुला है। जिन तालिबान ने APS के बच्चों को शहीद किया, इमरान खान इनको NRO देने की बात कर रहा है। राना सनाउल्लाह की कड़ी तनकीद, कहा अपने शहदा का खून कौम कैसे फरामोश कर सकती है। हुकूमत मुखालिफ तहरीक में तेजी, पार्टी को मुतहरिक करने का मिशन। हमजा शहबाज जनूबी पंजाब के 4 रोजा दौरे पर रवाना। बहावलपुर, मुल्तान, राजनपुर और दीगर शहरों में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। हुकूमत मेहनत कश भाइयों के लिए पंजाब मजदूर कार्ड मुतारिफ करा रही है। तर्जमान पंजाब हुकूमत फैजुल हसन चौहान का बयान। कहते हैं मजदूर कार्ड का इजरा बुजदार हुकूमत का एजाज है। फिरदौस आशिक अवान के इस्तीफे के बाद ओहदे पर नई तैनाती। हसन खाबर वजीर आला के स्पेशल असिस्टेंट ब्यूरो इंफॉर्मेशन मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफसल की जेर सदारत इजलास ग्राफरोशों जखीरांदोजों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का हुक्म। कहते हैं जखीरांदोजी पर सिर्फ जुर्माना काफी नहीं। लेस्को सारफीन की मुश्किलात कम ना हो सकें। मटेरियल बहरान के सारफीन के साथ साथ फील्ड अफसरान भी परेशान। सिंगल फेज मीटर और ट्रांसफार्मर ना होने की वजह से सैकड़ों न्यू कनेक्शन। मनशियात बरामदगी के साबिक सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह इंसदाद मनशियात अदालत में पेश। केस की समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी। इंसदाद मनशियात अदालत के जज नईम शेख ने समाअत की। लाहौरियों की 6000 मोटरसाइकिलें कहां गईं? पुलिस ला इल्म। रवासाल 8000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें चोरी। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सिर्फ 2000 मोटरसाइकिलें रिकवर करा सका, बाकी का सुराग न मिला। ई चला ना दहिंदा गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। 71 मरतबा ट्रैफिक कानून के खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ी पकड़ी गई। ड्राइवर को 34,000 रुपए जुर्माना आए। जुर्माने की अदायगी तक कागजात जब्त। सूबाई वजीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल की जोहर टाउन में दावत इस्लामी के मरकज आमद। फिजान मदीना के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया। सूबाई वजीर ने दीनी के साथ IT की तालीम देने पर इंतजामिया को सराहा। सुपीरियर ग्रुप के ज़ेर-ए-एहतमाम तकरीब का एहतमाम। बेहतरीन कारकर्दगी पर चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने डायरेक्टर द स्पिरिट स्कूल बिलाल हनीफ को सराहा और उनकी खिदमात के एतराफ में गाड़ी का तोहफा। पंजाब रेंजर्स के ज़ेर-ए-एहतमाम DG रेंजर्स नेजाबाजी और पोलो चैंपियनशिप 2021 का इनाकाद।
वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत, नेजाबाजी और पोलो में पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। चेयरमैन पीसीबी से क्रिकेट एसोसिएशन के अहदेदारों की मुलाकात, रमेश चाचा ने ग्रॉस रूट क्रिकेट से मुतल्लिक अपने नजरियात से आगाह किया। नौजवानों को बेहतरीन सहूलियात देने के हवाले से तबादला ख्याल। पीएफएफ नॉर्मलाइजेशन कमेटी के मैंडेट में 31 दिसंबर तक तौसी, फीफा ने लेटर जारी कर दिया। अदालती और हुकूमती महाज पर खातिरख्वाह कामयाबी हुई, एनसी काम जारी रखे, फीफा की हिदायत। और अल्लाह जानता है, ज़ुबैदा इकबाल फलाही तंजीम और साबिक डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर के तआवुन से बैडमिंटन टूर्नामेंट डीआईटी जानसेफ नज़ीर और फरगान तूर ने सनसनीखेज मुकाबलों के बाद अदाकार कैसरपिया और मलिक नवीद को शिकस्त दे दी।